स्टडी यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपलएससी से जिस नोटिस के बारे में आपसे चर्चा की जाती है, जल्दी एक दो नोटिस देखने को मिलेगी। तो एक जो नोटिस है वो जारी होगी यूपी ट्रिपलएससी, आज की डेट में दो नोटिस जारी हुई, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। बाकी कुछ और अपडेट खबरें हैं लोअर को लेकर के, एएसओ को लेकर के, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी इसी वीडियो में। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी अपडेट की वीडियो अपलोड हो चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को जाया किए। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। पहले नोटिस देख लेते हैं फिर चर्चा करते हैं आगे की भर्ती के बारे में। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रशिक्षण एवं सेवा योजन विभाग से प्राप्त अधियाचन के क्रम में विज्ञापन संख्या 27/2015 के अनुदेशक के 28 व्यवसाय के कुल 559 पदों को विज्ञापित किया गया था। इसमें जो 36 आरक्षण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को लेकर के यहाँ पर बताया जा रहा है कि 11 पद विकलांगजन के, 16 भूतपूर्व सैनिक के, 27। इस प्रकार से जो है प्राप्त अधियाचन के अनुसार व्यवसाय क्षैतिज श्रेणी हेतु पद पृथक पृथक आवंटन नहीं था। तो यहाँ पे इम्प्लॉयबिलिटी स्किल व्यवसाय के सापेक्ष विज्ञापन की सारणी में 2 क्रमांक 27 में जो एनटीसी एनएसी शैक्षिक अर्थात विज्ञापित नहीं थी तो उसी के बारे में ये जो है नोटिस जारी की गई। तो माननीय आयोग द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार इम्प्लॉयबिलिटी स्किल व्यवसाय को छोड़ते हुए शेष व्यवसायों को जो है क्षति श्रेणी हेतु व्यवसायवार आवंटन संलग्न प्रारूप क के विभिन्न अभ्यर्थियों को संलग्न यथोपरि। तो ये नोटिस जो है जारी की गई है यूपी ट्रिपलएससी से। दूसरी नोटिस जो है ये 2/2015 के लिए प्रशिक्षण सेवा योजना के अंतर्गत अनारक्षित के एक फाउंड्रीमैन नियंत्रणाधीन फाउंड्रीमैन के दो पदों को लेकर जो साक्षात्कार हुआ था तो सूचना संख्या उसके अनुसार आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई कि अभ्यर्थियों को सूचित किया गया था कि उक्त विज्ञापन के अंतर्गत प्रश्नगत पद हेतु आवेदन करने वाले विज्ञापन में जो अनिवार्य अर्हता होगी ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार सूची में सम्मिलित नहीं है। वो दिनांक 2/7/2024 की शाम 5 बजे तक जो है अधीनस्थ सेवा चयन जो कि पिकअप भवन पंचमतल स्थित केंद्रीय प्राप्ति प्रेषण अनुभाग में अपना प्रत्यावेदन विज्ञापन प्रकाशित वांछित अनिवार्य अर्हता के बारे में बताया गया था, उसी के बारे में ये नोटिस जारी की गई है। अब बात कर लेते हैं कि लोअर विज्ञप्ति को लेकर के जो यूपी ट्रिपलएससी से अपडेट यही कि विज्ञप्ति को लेकर के चर्चा तो है कि विज्ञप्ति आनी है, लगभग पदों की संख्या अच्छी खासी लोअर में, लेकिन इसको लेकर के आपको पहले की वीडियो में भी बताया गया था कि पुरानी भर्तियों को जैसे ही क्लियर कर लेंगे उसके बाद ही विज्ञप्ति पे काम करेगा यूपी ट्रिपलएससी। तभी 2 से 3 रिजल्ट को जारी करना है, उसके बाद जो सारी ये चीज़ें जो है रिपोर्ट करनी है शासन को, उसके बाद नई विज्ञप्ति के बारे में भी शासन को रिपोर्ट करनी है, तब जाके ये विज्ञप्ति लोअर की देखने को मिली। तो थोड़ा सा इसमें वक्त लगेगा विज्ञप्ति, लेकिन लोअर की चर्चा है आने को, इसलिए थोड़ा इंतजार करिए और इस पर अपडेट जैसे होती है उसके भी वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट बता दीजिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक खबर जो एसओ प्रोविजनल को लेकर के आप लोगों के पास है, तो एसओ प्रोविजनल को लेकर के अपडेट यही है कि सारी प्रक्रिया में आपको बताया गया था कि जो प्रक्रिया कंप्लीट होगी वो सभी कैंडिडेट की होगी, जितने लोग जो है सिलेक्शन पा चुके हैं ये भी प्रोसेस करने के बाद जो यूपी ट्रिपलएससी इस फाइल को भी जल्द ही आयोग को भेज देगा। ये प्रक्रिया विद इन 1 वीक के अंदर शुरू करने की जो है जानकारी मिल रही है कि आयोग जो है उसको शुरू कर देगा ये मिड जुलाई के बाद में। तो ये चीज़ अपडेट है, उसके बाद जो है टोटल फाइलें जब पहुंच जाएंगी तो सारी की प्रोसेस उसके आगे की जो होगी तो बाद में बता दिया जाएगा वीडियो बना के, कैसे मेडिकल वगैरह होता है, क्या प्रोसेस होता है पुलिस वेरिफिकेशन का, कैसे ज्वाइनिंग लेटर वगैरह विभाग जाने पे क्या प्रोसेस करना पड़ता है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो भी बना दी जाएगी। तो अभी फिलहाल की अपडेट यही है विज्ञप्ति को लेकर के, आप लोग अगर कोशिश नहीं करेंगे तो विज्ञप्ति डिले होना स्वाभाविक है, इसलिए आप लोग कोशिश करिए। बाकी हमारे साथ यानी कि चैनल के माध्यम से जो भी होगा वो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल, खबरें छोटी हो या बड़ी मेरी प्रतियोगी छात्र के हित क्योंकि तो आपको जरूर देखने को मिलेगी इस चैनल के माध्यम से, इसलिए चैनल को कहते हैं कि शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड को, साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के साथ लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए तो जाके वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले मिलेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल।